हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पुष्पाज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की क्रिस्पी पकोड़े। ये कुछ अलग तरीके से पकोड़े हम बनाएंगे और ये खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। आलू को हमने छील लिया है और अच्छे से धो लिया है। अब इनको हम इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। चारों आलू को आप इस तरीके का कोई ग्रेटर ले लीजिए और अच्छे से खस लीजिए। चारों आलू छिल चुके हैं और इनको हम अब अच्छे से एक या दो बार पानी बदल के धो लेंगे। और सारा पानी अच्छे से निकाल देंगे छन्नी में। ये देखिए, इस तरीके से हो जाने चाहिए हमारे आलू। अब इसके अंदर हम दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च मिलाएंगे, एक चम्मच लाल मिर्च मिलाएंगे, थोड़ा सा हरा धनिया। अब हम इसके अंदर 4 या 5 चम्मच बेसन मिला लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से बेसन की क्वांटिटी हमें ज्यादा नहीं करनी है। 2 चम्मच हम चावल का आटा मिलाएंगे। इससे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी तैयार होंगे। अगर आपके पास चावल का आटे नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे। हमने आधा चम्मच नमक लिया है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है हमें। और इस तरीके का हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इस तरीके से हमें ये पेस्ट उठाना है और सीधा कढ़ाई में डालना है। इसे हमें ज़्यादा गोल और रोल नहीं करना है। तेल गरम हो चुका है। इसी तरीके से हम उठाएंगे और डाल देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है क्रिस्पी पकोड़े बनाने की। ये देखिए, इस तरीके से उठाना है और डाल देना है। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इन्हें पकाना है मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए, पकोड़े तैयार है हमारे। अब फॉइल पेपर पे हम इस तरीके से निकाल देंगे। ये देखिए, सारे पकोड़े तैयार हो जाएंगे। इसी तरीके से हम और बचे हुए पेस्ट के भी सारे पकोड़े इसी तरीके से निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी पकोड़े तैयार हुए हैं। आप भी इसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। इस तरीके के पकोड़े हमें मोस्टली मार्केट में दिखाई देते हैं और बहुत खाने का मन करता है। आप धनिया की चटनी या सॉस के साथ इसे आराम से खाइए और एंजॉय कीजिए। रेसिपी कैसी लगी है चैनल पे आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।